आज क्यों नहीं आ रही है? आज आ तो इसलिए नहीं रही है कि आप किसी को छोड़ने तैयार नहीं हो, कि मेरा अब्बा भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, दोस्त भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, नमाज हमारी छूट रही है, कोई टेंशन बताइए भाइयों है क्या? नहीं, सब कुछ छूट रहा, सब कुछ कुछ नहीं छूटे मगर नमाज छूट रही है, कोई टेंशन नहीं। तुम देखते हो ईद की नमाज पढ़ी जाती है ना ईद की, और अलविदा जुमे की नमाज होती है, तो रास्ते तय कर दिए जाते हैं और प्रशासन के लोग हिफाजत करके रास्ते से निकलने नहीं देते लोगों को। कितना भी बड़ा अधिकारी आ जाए ना, वो कहते हैं इस रास्ते से नहीं निकल सकते। उनसे पूछा जाए क्यों नहीं निकल सकते, तो वो कहते हैं आज मुसलमान नमाज पढ़ ला, आज रोडों पर नमाज पढ़ ला, आज मस्जिदों में नमाज पढ़ ला, आज इस रोड से नहीं निकलने दिया जाएगा। अरे मुसलमान तो साल में एक बार नमाज पढ़े, तो बड़े से बड़ा अधिकारी अपना रास्ता बदल दे, अगर पांचों टाइम नमाज पढ़ने लगा तो पूरी दुनिया पढ़ के तो देख, मगर पढ़े तब ना। हमें मोहलत ही कहां है, इतना टाइम ही कहां नमाज पढ़ने का। ये लोगों कुल 10 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, कितना टाइम लगता है जोर से बता, जोर से बता कितना। और देखो नमाज कब पढ़ी जाती है, सुनिए, नमाज की आदत डाली जाती है तब नमाज पढ़ी जाती है, जिसकी आदत नहीं होगी उसका बाप नमाज नहीं पढ़ सकता। आदत की और कुछ नहीं, नमाज में पैसा नहीं जाता, आद अलकस है बस और कुछ नहीं है। ये अलकस जिस दिन दूर हो गया, उस दिन सुस्ती जिस दिन दूर हो गई, आप नमाजी बन जाओगे। आप आदत डाल लो आदत, और आदत 30 साल का होकर नहीं पड़ती है, आदत शुरू से ही पड़ती है। कहां से पड़ती है? तभी तो हुक्म है कि जब बच्चे होशियार हो तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 7 साल के हो जाएं बच्चे होशियार होने लगे हुक्म दे, और जब और बड़े हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़वा। आदत, अगर आपने आदत डाल दी ना आदत, तो जहर भी खा लोगे, जहर मरोगे नहीं, आदत। एक आदमी 300 डंड लगाता थकता नहीं है, तुम सोई लगा के देखना थक जाओगे, क्योंकि आदत नहीं है तुम्हारी, आदत। एक शख्स, एक कटरा, कटरा जानते हो, उसको सर पर रख के छत पे ले जाया करता था। ले जाओगे तो 2 क्विंटल वजन होता बाद में। अरे गलत कह रहा हूं क्या मैं? ले जाओगे छत पे? नहीं जाएगा। मगर उसने पता क्या किया था, जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन उसने पल्ले में रख के छत पे लेके गया, और रोज का उसका यही काम था, रोज लेके जाता था, रोजाना ले जाते उसकी आदत पड़ गई। आज का पहलवान भी 2 क्विंटल वजन उठा लेता, आदत होती है। और जब नमाज पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना आदत, तो फिर तो जब बचपन से आदत डाल लेगा तो जवानी में भी पड़ेगा, बुढ़ापे में भी पड़ेगा। डाल ले आदत। क्या डाल लो? आ, जोर से बोलो आदत। जब तुम्हारे बच्चे छोटे होते हैं लोगो, उन बच्चों को फिल्मी गाने न सुनाया करो, उन लोगों को फिल्मी कराने न सुनाया करो, फिल्मी स्टोरी न सुनाया करो, उन्हें सोच चिल्ली के किस्से न सुनाया करो, कुत्ता बिल्ली का डर न दिखाया करो, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाया करो, सलाम सिखाया करो, नमाज सिखाया करो, बचपन से बच्चे को नमाजी बना दो। अगर बच्चे से आदत डाल दी तो तेरा बच्चा होशियार होते होते नमाजी बन जाएगा।